नमस्कार, मैं हूँ रेनू भाटिया। न्यूज अब भारत में आपका स्वागत है। किसान आंदोलन को एक लंबा समय बीत चुका है, जिसके बाद आज गाजियाबाद के गाजीपुर बॉर्डर से होते हुए किसान पलवल के लिए रवाना हुए। वहीं आज गाजीपुर पर किसानों ने केंद्र सरकार की बुद्धि शुद्धि के लिए एक हवन का आयोजन किया और हवन के जरिए यह बताने का प्रयास किया कि केंद्र सरकार इस बिल को वापस ले और किसानों की मांग पर ध्यान दे, क्योंकि लगातार किसान 40 दिन से भी ज्यादा हो गए हैं और दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पर इतनी ठंड में बैठे हैं और अपना धरना प्रदर्शन जारी रखे हुए हैं, जिसको देखते हुए समाज सेवी प्रियंका राणा भी गाजीपुर बॉर्डर पहुंची और उन्होंने भी किसानों का समर्थन व हवन में हिस्सा लिया। प्रियंका राणा का कहना है कि सरकार किसानों की परेशानियों को समझ नहीं रही है। जहां किसान बॉर्डर पर शहीद हो रहे हैं, तो सरकार को यह बैठकों का दौर जल्द खत्म करके एक निष्कर्ष निकालना चाहिए। वहीं किसान भी इस बात पर अड़े हैं कि बिल की वापसी होगी तभी यह धरना खत्म किया जाएगा। आपको बता दें कि कल केंद्र सरकार के साथ एक बार फिर से किसानों की और केंद्र सरकार की बैठक होगी। हालांकि अब तक की बैठकों के दौर में किसानों की 4 में से 2 मांगे मान ली गई हैं। हालांकि उसके बावजूद किसान भी अभी अपनी पूरी मांगों पर अड़े हैं और वही केंद्र सरकार बिल में संशोधन के लिए तैयार है। जो हमारी सरकार है वो अहंकार में अपने जो पावर है उसके नशे के अंदर जो है उनकी जो बुद्धि है वो शायद जो है वो ठीक जगह पर नहीं है, क्योंकि वो किसानों की जो हित हैं वो उनको नहीं देख पा रही है। वो अंधी हो गई है, बहरी हो गई है और गूंगी भी हो जाती है जब हमारे किसान भाई यहाँ शहीद होते हैं और जो बॉर्डर्स पे लगातार जो शहीद होते जा रहे हैं और बलिदान दे रहे हैं, उसके बावजूद उनकी जो नींद है वो टूट ही नहीं रही है। और इसके बाद हम लोग इतना कोशिश कर रहे हैं, यहाँ शांतिपूर्वक धरना दे रहे हैं, उसके बाद भी तारीख पे तारीख, आखिर कब तक ये तारीख चलती रहेंगी। आज इसीलिए हम लोगों ने हवन रखा है, जिससे उनकी बुद्धि को शुद्धि किया जाए और उनकी बुद्धि में ये बात डाली जाए कि ये जो किसान है ये इसी देश के नागरिक हैं, आतंकवादी नहीं है। अगर आतंकवादी होते तो यहाँ पर जो है कोहराम मच जाता। आज यही किसान है जिसने हमारे देश की इकोनॉमी संभाली हुई है, जो GDP देता है और जो एम्प्लॉयमेंट है वो भी एग्रीकल्चर से आती है। कोरोना महामारी के दौरान जब पूरे देश की अर्थव्यवस्था खराब हो गई, ये एग्रीकल्चर ही था जिसने हमारे देश की इकोनॉमी संभाली। अगर आपको आज उन किसानों की बात नहीं समझ में आती है जो सच्चे देशभक्त हैं, जो पूरे देश का पेट पालते हैं, अगर उनकी भी बातें आपको दिखाई नहीं दे रही है तो भगवान आपको सद्बुद्धि दे। मेरा नाम प्रवीण डिंडावली है। किसान भाइयों का एक ही कहना है, जब तक बिल वापसी नहीं है जब तक घर वापसी नहीं है। हाँ, हमन का कारण भी यही है कि नरेंद्र मोदी जी को, केंद्रीय मंत्री जी को कह रहे हैं, हमारे कह रहे माने राजनाथ जी को सद्बुद्धि दे और कह रहे हैं उनको, कह रहे हैं हमारे तीनों ये बिल वापसी ले। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज अब भारत। देश और दुनिया की सबसे बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे चैनल न्यूज अब भारत को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें और जी हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं।